नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करते खबर की तरफ। कोरोना से जूझ रहे दुनिया भर के लोग इस समय खुद को स्वस्थ रखने के लिए खान पान पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में कृषि वैज्ञानिक ऐसा अनाज उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए और किसानों की आमदनी में इजाफा करे। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को काला गेहूं पैदा करने के लिए जागरूक करना शुरू कर दिया है। इस प्रजाति के गेहूं में प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, जहां काले गेहूं की प्रजाति में आयरन, जिंक और एंटीऑक्सीडेशन सामान्य गेहूं की प्रजाति से ज्यादा है। इसका बीज 6 से 9 हजार रुपए प्रति क्विंटल बिकता है। आधुनिकता के इस दौर में खेती करने के तौर तरीके बदल रहे हैं। नई किस्म की खेती करके किसान कामयाबी हासिल कर रहे हैं। अब इसमें काला गेहूं की फसल का नाम भी जुड़ गया है। काले गेहूं में सामान्य गेहूं के मुकाबले एंटी ग्लूकोज तत्व ज्यादा होते हैं। ये शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है। ब्लड सर्कुलेशन सामान्य रहता है। ट्राइग्लिसराइड तत्वों की मौजूदगी के कारण इसके इस्तेमाल से दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। मैग्नीशियम उच्च मात्रा में पाए जाने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य बना रहता है। सामान्य तौर पर नवंबर में इसकी बुआई होती है। दिसंबर में बुआई करने से गेहूं की पैदावार 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और जनवरी में बुआई करने पर 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की कमी आती है। इस प्रजाति का सामान्य उत्पादन 10 से 12 क्विंटल प्रति बीघा हो जाता है। काले गेहूं की खोज पंजाब के मोहाली स्थित नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने की है। विशेषज्ञों का दावा है कि काले गेहूं के नियमित सेवन से शरीर को सही मात्रा में फाइबर प्राप्त होता है, जिससे पेट के रोगों में लाभ मिलता है। इसमें मौजूद फास्फोरस तत्व शरीर में नए ऊतक बनाने के साथ उनके रखरखाव में अहम भूमिका निभाते हैं। सीड टेक्नोलॉजी के अनुसार काले गेहूं दिखने में थोड़े काले और बैंगनी होते हैं। इनका स्वाद साधारण गेहूं से काफी अलग और गुड़कारी है। एंथ्रेसाइनिन पिगमेंट की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये काले और बैंगनी होते हैं। साधारण गेहूं में इसकी मात्रा 5 से 15% ppm तक होती है, जबकि काली गेहूं में इनकी मात्रा 40 से 140% तक होती है। पौधे हरे रंग के होते हैं, बाद में पकने पर बाली काली हो जाती है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।